वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूविस किचन पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट, देखिए कितना सुंदर कलर है, गट्टे की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे गट्टे बनके तैयार हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल लूँगी और ये जो बेसन वाला हमारा पानी है उसे हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो देखिए कितने सॉफ्ट और बहुत ही प्यारे बने हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन रख दिया है। अब मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दूँगी। अब हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे, बहुत थोड़ा सा। फ्रेंड्स, मैंने 2 छोटे टमाटर और 1 हरी मिर्ची और अदरक का 1 टुकड़ा ये लेके मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। अब हम इसे ऐड करेंगे। तो हमारा जीरा हो चुका है फ्रेंड्स, और हमें गैस की फ्लेम लो रखनी है। अब इसमें मैं 1 से 2 चुटकी हींग ऐड करूँगी और इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी और यहाँ मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। गैस की फ्लेम हमें धीरे रखनी है जैसे हमारे मसाले ना जल जाए। लाल मिर्च पाउडर में थोड़ा और ऐड करूँगी। अब यहाँ मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी और यहाँ पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। अब हम हमारे मसालों को चला लेते हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूंगी, अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो भी चलेगा। अब मैं इसमें टमाटो वाली जो हमारी प्यूरी थी वो ऐड करूंगी। अब हमें इसे अच्छे से पका लेना है। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से पका लेना है। जब तक हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है तब तक हम हमारे गट्टे कट कर लेते हैं। इसके छोटे से छोटे टुकड़े हम कट कर लेंगे। तो हमारे गट्टे कट कर चुकी हूँ मैं, और अब ये देखिए तेल छूट गया है हमारी ग्रेवी में से, यानी हमारी ये ग्रेवी भी, टोमेटो की जो प्यूरी थी हमारी वो पक चुकी है। अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी जिसे मैंने फेट कर ले लिया है। लेकिन दही ऐड करते समय ये बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे लगातार चलाते रहना है। तो अब मैं इसमें दही ऐड करती जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी दही इसमें ऐड कर दी है और अब हम इसे चलाते रहेंगे। अब फ्रेंड, हम इसमें हमारा जो बेसन वाला जो पानी था जिसमें हमने गट्टे उबाले थे वो ऐड कर देंगे हम इसमें। उससे बहुत ही अच्छी सी हमारी ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इसे 5 मिनट तक ऐसे ही उबाल आने देंगे, उसके बाद हम इसमें अपने गट्टे ऐड करेंगे। कितना सुंदर सा कलर आया है फ्रेंड्स, तो आप ये सब्जी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसमें अच्छा सा बॉईल आ चुका है फ्रेंड्स, तो इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि हमने नमक पहले भी ऐड किया हुआ है गट्टे में, इस हिसाब से हम इसमें नमक ऐड करेंगे और अब हम हमारे गट्टे इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे।
अब 3 से 4 मिनट के अंदर हमारी ये गट्टे की सब्जी बनके रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे गट्टे की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन गई है। तो आप जरूर जरूर से इसे ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।